डियर फ्रेंड, आज सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है। ठीक है, हाइपोसाइक्लोइड से रिलेटेड ये वीडियो है जिसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और हाइपोसाइक्लोइड क्या है इसके प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाइपोसाइक्लोइड क्या था। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि अ सर्कल ऑफ 60 mm डायमीटर रोल्स ऑन अनदर सर्कल 180 mm, दिख रहा है ठीक है, डायमीटर एंड इन साइड इट ट्रेस द पथ फॉलोड बाय अ पॉइंट पी ऑन द जनरेटिंग सर्कल फॉर वन कम्प्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, वन कम्प्लीट रिवोल्यूशन पे किस तरीके का, अगर कोई जनरेटिंग सर्कल है उसके ऊपर अगर पी पॉइंट है और उसको मूव हो रहा है किसके ऊपर, एक सर्कल के डायमीटर वो भी इनसाइड में है। ठीक है, हाइपोसाइक्लोइड क्या होता है वो चीज अगर आपको पता है तो वो चीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब देखिए किस तरीके से है वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा प्रोसीजर यही है कि हमने क्या कर देना है कि एक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना है कि 120 mm आराम से यहां पर आ जाए। ठीक है, बेस्ट वही मेरा तरीका है। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अभी ये 120 mm इस प्रकार से रखें, कहीं किसी पॉइंट पे मैं रखूं कि 120 mm, देखो ये यहां से कर लेता हूं तो 120 mm इधर आ रहा है, थोड़ा और यहां से रखूं तो 120 mm यहां पे आ रहा है, और यहां से रखूं तो ठीक है तो 120 mm शायद आपको दिख नहीं रहा था, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 120 mm लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मैंने यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट पे मुझे 120 डिग्री बनाना है। क्यों 120 डिग्री ले रहा हूं, तो मैं ये जो सर्कल है ना, ठीक है, वो चीजें इसके प्रीवियस वीडियो में भी आप देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि अगर इसके बीच का जो रोल करते हुए वन रिवोल्यूशन कम्प्लीट करता है ना तो वो कितना एंगल बनाता है ये बड़े वाले सर्कल पे, वो आपको बता देता हूँ। थीटा एंगल बनाता है, और वो कैसे मिलता है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360। और आपको पता है स्मॉल आर कितना है, यहाँ पे 60 का 30 और 180 का 90 इंटू 360, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 120 डिग्री आ जाती है। तो इसलिए 120 डिग्री यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 120 डिग्री यहाँ पर लूँ तो 120 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है, और इसको मिलाते हुए लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, देख सकते हैं, ओके। अब क्या कर देना है मुझे, 90 जितना लेना है इसमें, और एक सर्कल बना देना है। ठीक है, 90 कहाँ पे है, यहाँ पर मेन सर्कल का ही रोल है। सर्कल अगर आपका अच्छे से नहीं बना तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बाकी प्रोसीजर आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसानी से सब कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर रखना है इस पर, और यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, अब क्या कर देना है, यहाँ से रख के आपको सर्कल बना देना है। ठीक है, कहाँ गया भाई, यहाँ रख के बनाना था, कुछ और ही बना दिया, एक बार अप कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लिप कर जा रहा है क्योंकि मेरा राउंडर उतना बेटर नहीं है, बस आपको प्रोसीजर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उतना तो बेटर नहीं, लेकिन फिर भी मेरे से बेटर तो आप बना ही लोगे, मुझे इतना पता है, लेकिन ट्राई करो। ठीक है, कि एकदम आपका एग्जैक्ट बने, क्योंकि एग्जाम आपको देना है तो आपका बेटर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसके इनसाइड में क्या होना चाहिए, इसके इनसाइड में ये जो है आपका सर्कल, ये देखो, ये अगर डायमीटर इसका देखोगे ना इस सर्कल का, तो आपको कितना दिखेगा, 180 का डायमीटर दिखेगा, रेडियस उसका 90 है। अब इनसाइड में उसके क्या होना चाहिए, एक सर्कल बनाना है, तो इनसाइड में देखोगे तो 30 लेना है। ठीक है, 30 लेना है ना, तो यहां से मैंने यहां तक ये उसका रेडियस लेना है, ये रेडियस आ जाएगा उसका, और इनसाइड में सर्कल है तो ये करके मैंने ये सर्कल बना देना है। ठीक है, देखिए थोड़े से मैं इसको बराबर सेट कर देता हूं।
ओके, ये सर्कल बन गया। अब ये सर्कल बन गया तो इसको मैंने पहले भी बताया था कि इसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लो, जितना पार्ट में इसको डिवाइड करोगे उतना पार्ट में इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे इसके सेंटर पे मैंने रखा, अब इसमें 12 पार्ट डिवाइड करना है। तो 12 पार्ट में देखो 30 डिग्री यहाँ पे, फिर 60 का यहाँ पे आ रहा है, 90 का यहाँ पे आ रहा है, फिर 60 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। अब इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए इसको और ये पॉइंट को मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे, देखिए ये लाइन बनेगी। इसको और ये सेंटर को मिलाते हुए सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो एक एक गेट ये पॉइंट होगा, फिर उसके बाद से ये वाले पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ड्रॉ हुआ। ठीक है, एक गेट देखो सेंटर से जाना चाहिए, सेंटर से नहीं जाएगा ना तो कहीं ना कहीं छोटी सी एक मिस्टेक बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर देता है। एग्जिट तो नहीं बनेगा लेकिन प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं मेथड समझाना चाह रहा हूँ ना वो मेथड आपको अगर है एपिसाइक्लोइड साइक्लोइड देखे होगा ना तो मेथड वही है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये आपको हो गया, यहाँ पर आपका पी पॉइंट है, ध्यान देना ये पी पॉइंट है। ठीक है, जो ये वाला जनरेटिंग सर्कल है और ये आपका डायरेक्टिंग सर्कल का है। ठीक है, पूरा मेरे पास सीट तो है नहीं कि मैं पूरा बना लूं, लेकिन जितना है उतने में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये जैसे जितना है ना उसी प्रकार से इसको भी ड्रॉ कर लो, ये जो पॉइंट है अब ये पी है। ठीक है, फिर किस पे आएगा, वन पे आएगा, ये वन, फिर ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन और ये ट्वेल्व। ठीक है, अब हम मुझे क्या करना है कि सारे जितने भी पॉइंट है उस सारे को मैं ड्रॉ कर लू। ठीक है, ये सिक्स से जाने वाली जो लाइन है वो मुझे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर बाद में सेवन और फाइव से, तो मुझे सेवन पे लेके आके रखना है, सेवन और फाइव दोनों पे जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इनको यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है लेकिन आप ये जा रहा है। ठीक है, ये बन गया। ओके, क्यों भाई ऐसा हो रहा है, ये ठीक है, यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, मतलब ये पहले वाला गलत है। ये तो चलो मैंने ड्रॉ कर दिया लेकिन ये वाला चेक कर लेते हैं, ये इधर आ रहा है तो ये यहाँ पे करूँ, यहाँ आना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, चलो कोई बात नहीं, ये लाइन ध्यान में रखेंगे। ओके, फिर बाद में अब मुझे एट का लेना है, बार बार इसको करने से क्या होता है ना कि फोर और एट से दोनों से पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, फिर बाद में मुझे ये सिक्स वाला जो थ्री और सिक्स को जोड़ता हुआ लाइन बना रहे हैं, सॉरी ओके, फिर उसके बाद से मुझे लेना है ये टू, टू हो गया, फिर वन ले लेंगे, इलेवन पे भी आना चाहिए, इस प्रकार से लें कि इलेवन और टू दोनों से पास होता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, ड्रॉ हो गया, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये ड्रॉ करने आना चाहिए। फिर उसके बाद से इसको भी मुझे 10 पार्ट में डिवाइड करना है क्योंकि ताकि इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है ना उस पर मुझे ये सारे पॉइंट मिल सके। ठीक है, जो सेंटर वाला है उस पे सारे पॉइंट मिल सके, तो उसके लिए क्या करना है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है। 12 पार्ट में डिवाइड इसको अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 पार्ट में 10-10 को पार्ट लेना पड़ेगा। तो 10 एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, दो, तीन,
चार पांच छः सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व पार्ट हो गए। अब इसका सेंटर आपको मिल जाएगा, इसी लाइन पे इंडिकेट कर दो सारे को मिलाते हुए। देखो ये सेंटर से मैं इसको मिलाऊं अगर पॉइंट को, तो एक तो सेंटर मेरा यहां मिल गया, ठीक है सी वन रख दो इसको। फिर ये दूसरे वाले पॉइंट से अगर मैं मिलाऊं तो एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया, सी टू नाम रख दो। तीसरे वाले पॉइंट से अगर मिलाते हुए लाइन बनाऊं, लाइन बनाने की जरूरत नहीं, यहां पर नंबर रख दो सी थ्री, क्योंकि इसी से मेरा मेन पर्पज तो वही है सेंटर पॉइंट बताना। सी फोर, फिर यहां पर ये पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे आपको सी फाइव मिल जाएगा। फिर यहां से और इसको मिलाते हुए लाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको सी सिक्स मिल जाएगा, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाएंगे यहाँ पे सी सेवन, इसको और इसको से देखेंगे तो यहाँ पे सी एट दिख जाएगा, और यहाँ से और इसको देखेंगे तो यहाँ पे सी नाइन, इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते हुए देखेंगे तो यहाँ पे सी टेन, ये और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे आपको आ गया सी इलेवन। ये ट्वेल्व है ये, ठीक है ये मार्किंग कर दिए। उसके बाद से ये जितना रेडियस है उतना ही रेडियस लेना है, मेन तो यही है, ठीक है जितना रेडियस है उतना रेडियस का ये मैंने ले लिया, ठीक है इतना मेरा फिक्स कर लेना है। उसके बाद से सी वन पे रखना है और वन वाली लाइन पे कट करना है। देखो वन वाली लाइन ये है, तो यहाँ पे सी वन पे रखा, एग्जेक्ट आपने सी वन पे रखा और ये वन वाली लाइन पे कट कर दिया। इसका नाम रख दूं पी वन, ठीक है। फिर उसके बाद से सी टू पे रखना और टू वाली जो लाइन है उस पर आपने कट कर देना है। तो टू वाली लाइन कौन सी है, ये है, ये आपकी टू वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे पी वन था, यहां पर आपको मिल गया पी टू। फिर थ्री से आपको थ्री वाली लाइन पे कट करना है, तो थ्री वाली लाइन यहां पर है और यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, पी टू था, यहाँ पे पी थ्री मिल गया। फिर पी फोर पे, सी फोर पे सेंटर लेना है और फोर वाली लाइन पे कट करना है। फोर वाली लाइन कौन सी है, ये फोर वाली ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस पे कट कर देंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये आपको मिल गया पी फोर। फिर फाइव पे जाएंगे, फाइव ये है और फाइव से आपको नेक्स्ट सिक्स वाली लाइन पे कट करना है, ठीक है। ये सॉरी फाइव से फाइव वाली लाइन पे कट करना है, तो यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे आपको पी फाइव मिल गया। फिर सिक्स से सिक्स वाली लाइन पे कट करना है, सिक्स किधर है, यहाँ पर है, और सिक्स वाली लाइन कहाँ पे, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया आपको, कौन सा, पी सिक्स मिल गया। फिर सेवन पे रखना है, ये है आपका सेवन, और सेवन से सेवन वाली लाइन कौन सी है, ये फाइव वाली, इस पे कट कर दीजिए, ये आपको मिल गया यहाँ पर पी सेवन मिल गया। फिर उसके बाद से एट वाली लाइन पे, एट पे रखो और एट वाली लाइन पे कट कर दो, एट वाली लाइन ये जा रही है तो इस पे कट हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया पी एट मिल गया यहाँ पे। फिर नाइन पे रखो और नाइन वाली लाइन पे कट कर दो, नाइन वाली लाइन कौन सी है, यही है, इस पे कट कर दो, यहाँ पे आपको पी नाइन मिल गया। फिर टेन पे रखो और टेन वाली लाइन पे कट कर दो, टेन पे रखो और टेन वाली लाइन कौन सी है, ये वाली जाएगी, ये टेन पे रखा और ये टेन वाली लाइन है, यहाँ पे आपको पी टेन मिल गया। फिर इलेवन पे रखो और इलेवन वाली लाइन मतलब ये इसमें मिल जाएगी, इलेवन पे रखा और ये इलेवन वाली लाइन पे कट कर दिया, तो यहाँ पे आपको मिल गया पी इलेवन। और ट्वेल्व पे रखेंगे और ट्वेल्व वाले पे पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। तो ट्वेल्व वाला पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे ट्वेल्व वाला पॉइंट तो आपका ये जो सेंटर आ रहा है वो इसके लास्ट पे ही होगा, और ट्वेल्व वाली लाइन कौन सी है, ऊपर ही है, ठीक है। तो ये आपका कट करके यहाँ पे आ जाएगा ट्वेल्व। अब इसको मिलाते हुए देखिए कैसे बना हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आया है वन टू, यहाँ पे है इस तरीके से, थ्री कहाँ पे, यहाँ पर है,
फोर यहाँ पे है, फाइव यहाँ पे है, सिक्स यहाँ पे है, सेवन यहाँ पे है, ठीक है, एट पे, फिर नाइन पे, फिर टेन पे, फिर इलेवन, फिर ट्वेल्व। इस तरीके से आपको जब ये लेके आओगे ना तो इस तरीके का ये पॉइंट बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको बना हुआ दिख जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ऐसे करके ऐसे कर्व बनता है, ठीक है, ये कैसे बनता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर्व बनता है, तो इस तरीके का कर्व दिखेगा। अब इसमें जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए कि थीटा अगर 120 रह रहा है तो आपको ये कर्व जैसा दिख रहा है, ठीक है, अगर वही थीटा, ध्यान से समझना, 60 डिग्री हो, यहाँ पे बता रहा हूँ, इफ थीटा इज 60 डिग्री देन पथ विल, पथ विल बी, जो पथ है, पथ या पथ ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड विल बिकम कर्व्ड होगा, ठीक है, कर्व ऐसे ऐसे टाइप का कर्व बनेगा, ठीक है। अगर इफ थीटा की अगर मैं बात करूं वो 180 डिग्री हो, ठीक है, अगर मान लो कि ये एंगल जो लिया था यहां पर जो एंगल लिया था ये 120 डिग्री लिया था, अगर वही एंगल 180 डिग्री हो जाए देन पथ ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड, पथ ऑफ द हाइपोसाइक्लोइड विल बिकम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिखेगी ना, एक सीधी लाइन आपको दिखी जाएगी, ये जो कर्व आपको ऐसा बनता हुआ दिखा है ये आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर 60 डिग्री हुआ इनके बीच का, ठीक है, अगर मान लो कवर कर रहा है एक साइकिल, अगर आने में 120 डिग्री अगर लेता है तो इस प्रकार का कर्व जैसा दिखेगा, 60 डिग्री पे भी कर्व जैसा दिखेगा लेकिन ऐसे कर्व दिखेगा, ठीक है, और अगर 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन जैसा आपको दिखेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी इम्पोर्टेंट थी, जो ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, मतलब ऐसे आ रहा है फिर ऐसे होके ऐसे जाएगा फिर बाद में ऐसे होके इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा एग्जैक्ट। थोड़ी बहुत क्या है कि ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत लाइनिंग का मिस्टेक है, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट ऐसे होके ऐसे आता है, ठीक है, बाकी ये ठीक ही है, एकदम थोड़ी बहुत मिस्टेक है, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी जो लेसन आएगा वो आएगा पॉइंट, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन से रिलेटेड बात करेंगे, तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।